हाय एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। तो भाई आप देख सकते हैं सभी तरफ आपको पानी देखने को मिलेगा क्योंकि हम खड़े भाई रिवर के अंदर, तो और पानी यहाँ पर अभी ठहरा हुआ है। तो आपके सामने खड़ी है भाई हंडी क्रेटा, तो 2019 मॉडल है, 3 साल इस गाड़ी को हो गए हैं। तो आज इस गाड़ी के अंदर एक आपको फीचर्स मिलता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। भाई इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, और सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई इस गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो 1.4 cc है भाई, और बेस मॉडल से लेकर थोड़ा सा ऊपर का मॉडल आता है ना, वो है एस प्लस है भाई। तो इसमें 1.4 cc का इंजन दिया जाता है और 89 bhp पावर जनरेट करके देता है, और 220 Nm आपको टॉर्क जनरेट करके देता है। तो पावरफुल सा इंजन आता है, तो इसमें आपको मिलता है स्पीड सेंसिंग डोर लॉक। तो काम कैसे करता है आज वो प्रैक्टिकल हम करके देखने वाले हैं। तो नाम से ही पता चलता है कि भाई गाड़ी की जब स्पीड होती है ना, गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है, मतलब कि 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जब गाड़ी भागती है ना, तो डोर होते हैं ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं। चलिए वो तो मान लिया हमने, डोर क्लोज हो गए। उसके बाद भाई डोर खोलते हैं ना, तो भाई खुलते हैं या नहीं वो आज चेक करने वाले हैं प्रैक्टिकल करके। कहीं ना कहीं छोटे बच्चे होते हैं ना, इसके लिए भाई फीचर्स बेस्ट सा रहता है, क्यों यार कि छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं भाई शरारत करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं डोर होते हैं वो खुल भी जाते हैं। क्या वो फीचर से वहां पर काम करेगा या नहीं, ये आज हम देखने वाले हैं। तो भाई एक अच्छा सा रोड देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल ही रोड आपको देखने को मिलेंगे, थोड़े से डबल लाइन वाले जो रास्ते होते हैं ना वहां पर जाकर देखते हैं। तो वहां पर गाड़ी की स्पीड पता चलेगा ना भाई, यहाँ पर तो भाग ही नहीं पाएगी, तकरीबन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागेगी, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आ जाएगा। इसे भाई अच्छा सा रास्ता देखते हैं, वहां पर इसको भगा कर देखते हैं। तो भाई गाड़ी के अंदर आकर बैठ चुके हैं, और डबल लेन यहाँ पर रास्ता है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का। तो इस रास्ते पर इस गाड़ी को भगाकर देखते हैं भाई, और देखते हैं कि इसके जो डोर है ना वो कब लॉक होते हैं। तो अभी मैंने इसको अनलॉक कर दिया है, तो गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, तो मैंने फर्स्ट फॉरवर्ड में डाल दिया है। तो चलिए देखते हैं कि कब डोर है वो लॉक होते हैं। तो अभी 13 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी की स्पीड है यहाँ पर, और भाई आप देख सकते हैं डोर लॉक हो गए। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जब गाड़ी चलती है ना, तो डोर है वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं। तो थोड़ी सी स्पीड और बढ़ाकर देखते हैं, और गाड़ी की स्पीड तकरीबन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इसको पकाते हैं, और उसके बाद डोर खोलने की कोशिश करते हैं, क्या इतनी स्पीड में डोर है वो खुलते हैं या नहीं वो चेक करते हैं। क्योंकि स्पीड सेंसिंग डोर लॉक तो अभी वो काम कर रहे हैं, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में जब गाड़ी भागती है ना, वो ऑटोमेटिकली गाड़ी के डोर है वो लॉक हो जाते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से करके दिखाता हूँ। तो वहाँ पर गाड़ी साइड में खड़ी करने की जगह नहीं थी, तो यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर अपनी गाड़ी को खड़ी कर देता हूँ। तो मैंने फिर से इसको अनलॉक कर दिया है, थोड़ा सा वाइड एंगल पे मैं आपको दिखाता हूँ ताकि पता चलेगा। तो भाई देखो गाड़ी की स्पीड है वो 12-13 के आसपास है अभी। तो 15 किलोमीटर की स्पीड से जब गाड़ी भागती है ना, तो ऑटोमेटिकली डोर है वो लॉक हो जाता है। तो स्पीड सेंसिंग डोर यहाँ पर काम करता है। तो अब हम देखने वाले हैं भाई गाड़ी थोड़ी सी स्पीड में होती है, जैसे कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जब गाड़ी भागती है ना, तब डोर खोलने की कोशिश करते हैं, तब डोर खुलते हैं या नहीं वो चेक करते हैं। तो थोड़ी सी स्पीड में बढ़ा देता हूँ, तो अभी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हो गई है गाड़ी। तो थोड़ा सा रास्ता खुला न देते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई कुत्ते भी रास्ते पर आ जाते हैं, और यहाँ पर तो भैंसिया भी होती है, तो वो भी रास्ते पर कहीं ना कहीं आ जाती है, तो बार बार ब्रेक को लगाना पड़ता है। तो अभी थोड़ा सा रास्ता आ गया है अच्छा, तो गाड़ी भाग रही है भाई 50 को टच कर लेते हैं। तो भाई अब देखते हैं गाड़ी की स्पीड, देख सकते हैं भाई मैंने 50 करके रखी हुई है, अब डोर को खोल के देखते हैं। तो भाई डोर तो खुल जाता है, लेकिन बीप हमें सुनाई देती है, तो मैंने अभी सीट बेल्ट नहीं पहना है। तो भाई डोर तो खुल जाते हैं क्योंकि स्पीड सेंसिंग, तो भाई स्पीड सेंसिंग डोर लॉक वैसे तो काम करता है, डोर लॉक ही रहता है, लेकिन स्पीड पे जब गाड़ी होती है ना, तो इसको खोलते हैं, तो भाई आप देख सकते हैं अभी डोर खुल गया। तो कहते कहीं भाई स्पीड सेंसिंग डोर तो काम करता है, लेकिन गाड़ी की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागती है ना, तो डोर नहीं खुलने चाहिए वैसे तो, लेकिन पता नहीं खुल जाते हैं। भाई जब डोर खुलते हैं ना गाड़ी स्पीड में होती है, तो एक बीप सी आवाज हमें सुनाई देती है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम तो बेस्ट सा है, सेफ्टी फीचर्स इसको कह सकते हैं। बड़े बंदे होते हैं वो तो सरी बंदों की तरह बैठे रहते हैं, लेकिन छोटे बच्चे होते हैं वो शरारत करते ही है, क्योंकि उनको बाहर का व्यू देखने के लिए वो क्या करते हैं भाई, शीशे होते हैं जो विंडो के, तो वहां पर आकर देखते हैं कि बाहर का व्यू देखने के लिए। तो कई बार क्या होता है कि यह हैंडल होता है ना जो खोलने वाला, डोर खोलने वाला, वो कई बार हाथ में आ जाता है, जो डोर होता है वो भी खुल जाता है। तो कहीं ना कहीं भाई एक बड़ा इंसिडेंट भी हो सकता है। तो इस गाड़ी में फीचर्स देना चाहिए था कि गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जब गाड़ी भागती है ना, तो डोर है वो ऑटोमेटिकली क्लोज होने चाहिए, और उसके बाद भाई खुलने नहीं चाहिए।
मैंने ट्राई किया है भाई 80 की स्पीड में जब गाड़ी भागती है ना तो डोर नहीं खुलते हैं, लेकिन 50 पे रखते हैं तो थोड़ा सा बेस्ट सा रहता। तो वैसे तो बेस्ट सा फीचर्स है, कुछ इसमें प्रॉब्लम जैसी तो नहीं है। तो अभी मेरी गाड़ी के अंदर तो भाई मैंने टेस्ट करके आपको दिखाया दिया। अगर आपके पास कोई और गाड़ी है उसका टेस्ट आप चाहते हैं कि उसमें स्पीड सेंसिंग डोर किस तरह से काम करते हैं तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, तो उस गाड़ी का मैं टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा कि उसमें स्पीड सेंसिंग जो डोर लॉक होते हैं ना वो किस तरह से काम करते हैं।